ने ऐसा नहीं किया, भगवान ने कहा खा लो, बट जो करना है वो करना है। पता लगा उस चक्कर में मेन चीज़ ना छूट जाए, जैसे भगवान कह रहे हैं गीता में, सारे कुओं का काम एक नदी से हो सकता है। पहले ज़माने में कुएं होते थे, स्पेशली जो ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मणों का नहाने का पानी अलग लेते थे कुएं से, भगवान का कुआं अलग होता था उससे पानी अलग लेते थे, उसके बाद जहाँ जैसे टॉयलेट के लिए पानी लेना उसके लिए कुआं अलग होता था, तो इनके अलग अलग चलते थे, या उसके लिए तो टॉयलेट के लिए वो जो 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 नदी है उसके पास जाके वहाँ से लेते थे। मगर ज़रूरत ही नहीं है, सारे कुएं का काम एक नदी से हो जाएगा, क्योंकि नदी में तो पानी बहता रहता है ना, शुद्ध ही रहता है। सो उसी प्रकार अगर हम एकादशी के सारे नियम फॉलो करें, मतलब सारे कुओं का काम क्या है, धोना। सो आपने इतने सारे कुएं बना लिए, इससे पानी ये लेंगे, उससे पानी वो लेंगे, इससे पानी लेंगे, और उससे अच्छी तरह धुल ही नहीं रहा, तो फायदा क्या। तो वही है कि अगर हम एकादशी कर रहे हैं, इतने सारे नियम फॉलो कर रहे हैं, और हमारा हृदय नहीं धुल रहा, हमारी इंद्रियां वश में नहीं आ रही, तो कोई पॉइंट नहीं है। और वैसे भी शिला प्रभुपाद अमेरिका गए थे, अमेरिका में तो ये कर ही नहीं सकते, रिस्ट्रिक्शंस, हल्दी मत खाओ, ये मत खाओ, टमाटर मत खाओ, गाजर मत खाओ, मूली मत खाओ, इस दिन है होता है ना ऐसा कुछ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। प्रभुपाद वहाँ कर देते थे तो फिर तो हो गया था, क्योंकि वहाँ पहले ही कुछ नहीं मिलता, सब नॉन वेज खाते हैं, चीज़ें मिलती हैं उनकी, अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। सो अब क्या कितने रूल्स बनाएंगे, क्या करेंगे। सो इसलिए प्रभुपाद ने सिंपल कर दिया, प्रभुपाद ने भावग्राही थे, सारग्राही थे, भारवाही नहीं थे, प्रभुपाद सार समझ गए एकादशी क्यों मना रहे हैं। थोड़ा सेंस कंट्रोल हो, थोड़ा टाइम बचे, थोड़ा ज़्यादा भजन करें, तभी तो प्रोग्राम कर रहे हैं हम लोग, कि भी स्पेशल आज एकादशी प्रोग्राम क्यों, क्योंकि एकादशी पे हमें ज़्यादा भजन करना है। तो जो आप जैसे आप तो भजन साथ में बैठ के क्यों ना कर लें, अलग अलग घर में क्यों बैठ के करना है, साथ में कीर्तन हो जाएगा, कुछ लेक्चर हो जाएगा, दैट्स अ गुड थिंग, थोड़ा मूड बना रहेगा, फिर आप घर जाके थोड़ा सा और करोगे। सो ये आइडिया एकादशी का यही है, बल्कि ट्रेडिशनली जो एकादशी करते हैं वो एक दिन पहले फास्टिंग होती है, आज के दिन फास्टिंग होती है, अगले दिन फास्टिंग होती है, ऐसे चलता है ट्रेडिशनली। मतलब एक दिन पहले एक बार खाएंगे, एकादशी में कुछ नहीं खाते, अगले दिन फिर एक ही बार खाते। बट प्रभुपाद ने बोला ये शास्त्र, तो किसी ने पूछे तो शास्त्रों में ऐसा करना चाहिए, शास्त्रों कैसे, आप शास्त्रों की बात तो माननी पड़ती है ना, अपने मन से कैसे हटा देंगे। मानने का मन से नहीं हटा रहे नियम, क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि प्रभुपाद ने कहा दो विधि हैं, पंचरात्रिक विधि और भागवत विधि। सो ये सारे रूल्स पंचरात्रिक विधि में आते हैं, एकादशी, डीटी वर्शिप के रूल्स, एकादशी के रूल्स सब। मगर हम लोग, प्रभुपाद ने कहा हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते हैं, भागवत विधि। भागवत विधि क्या है, भागवत विधि श्रवण और कीर्तन। सो अगर आप श्रवण कीर्तन अच्छी तरह करोगे तो बाकी रूल्स फॉलो करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये शास्त्र ही कह रहे हैं, प्रभुपाद की अपनी मन से नहीं बनाई हुई चीज़ है, कोई मन से बनाई हुई चीज़ नहीं है, ये शास्त्र ही कह रहे हैं। सो काफ़ी चीज़ें हैं शास्त्रों में, नियम हैं, रूल्स हैं, रेगुलियम है, नियम हैं। आप साउथ इंडिया जाओ, साउथ इंडिया वैष्णव्स तो सब कुछ फॉलो करते हैं, मध्वा संप्रदाय, रामन संप्रदाय बहुत स्ट्रिक्ट, एक आज के दिन ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, इसको छू नहीं सकते, इसको छू सकते हो, बहुत सारे। बट पॉइंट ये है कि आप जाओ उनसे पूछो, आप देखो उन सबको करते सब कुछ हैं, सूची मूची कहते हैं इसको, सूची मूची समझते ना, ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है, बहुत ज़्यादा उनका बहुत ज़्यादा होता है, मडी मडी कहते हैं कर्नाटक में, कि मडी हो गए, गंदे हो गए, फिर मडी तो मतलब मड से, उसके नहा के अपना बहुत ज़्यादा रूल्स फॉलो सब कुछ करेंगे। बट वो वैसा ही है जैसे आप एक आप शादी करके आए और आप घर में बहू ले आए और बहुत सुंदर साड़ी और बहुत गहने पहने हैं, सब कुछ ठीक है, बस एक प्रॉब्लम है, कोड है उसको, तो क्या करोगे, दैट्स अ डिज़ास्टर। नहीं,
कोड है और वाइट वाइट पैचेज हैं उसके मुंह पे हाथ पे समझो, तो वही वैल्यू है फिर? सुंदर साड़ी, सुंदर गहने, सब अमीर, उसके क्या वैल्यू है? अरे यार पागल है, कोड है, खुद उसके बैठेंगे भी कैसे, तो मर गए। सो वही है, वो साउथ इंडियन सब कुछ करते हैं, रिचुअल है, मगर मेन उन्होंने एसेंस ही खो दिया, मेन चीज़ ही छूट गई। मेन चीज़ क्या छूट गई? भक्ति, श्रवण कीर्तन नहीं है वहाँ। आप जाओ साउथ इंडियन मंदिर में, क्या होता है आरती होती तो क्या होता है पता है? क्या करते हैं, टिंग टिंग टिंग। आप कौन गए हो ना साउथ, कौन कौन गया था? वो तो गई हुई है, और यूथ कौन कौन गया था आप लोग? आपने देखा था आरती के वक्त टिंग 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 टिंग, कुछ होता ही नहीं, कुछ कीर्तन नहीं होता कुछ, वो कान खराब हो जाते हैं, वो नगाड़े बजते हैं। अब तो चलो उन्होंने मशीन लगा दी, पहले तो हाथ से जाते थे, मशीन नहीं होती डिंग 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 डिंग, मशीन को जाता है डिंग 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 डिंग, वो डिंग 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 करता रहेगा, पूरा दिमाग खराब हो जाता है, गर्मी इतनी होती है अंदर वहाँ, और भगवान दिखाई नहीं देते क्योंकि इतनी इतना छेक बना रखा होता है उन्होंने, कहाँ से देखोगे आप? तो अब खड़े वहाँ खड़े होकर आपको लगेगा कर क्या रहे हो, ना भगवान दिखाई दे रहे हैं, ना कीर्तन हो रहा है, गर्मी इतनी हो रही है, 10 लोग ऊपर चढ़े हुए हैं आसपास, तो कर क्या रहे हैं मुझे? इसलिए मैं चाहता था उडुपी पहले जब कॉलेज में थे, तो मैंने बंद कर, मैंने कहा क्या फ़ायदा क्या यार, आरती के समय तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा, उल्टा कर लिया मैंने, नॉनसेंस है। फिर जब आरती ख़त्म हो गई सब चले जाते तब जाते थे, आराम से दर्शन तो कर लो, बैठ तो जाओ, क्योंकि पॉइंट नहीं है उसका, नहीं ना भगवान के दर्शन ना कीर्तन, तो कर क्या रहे हो आप पे खड़े होके, पर्पस लूज हो गया ना। अब कॉमन आदमी के लिए अच्छा है, चलो कॉमन आदमी तो आएगा, कॉमन आदमी वैसे ही गंद सोच रहा है, मंदिर में आएगा कि टंग 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 होगा तो माइंड उसका थोड़ा इधर उधर भागेगा नहीं ना, टंग 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 से वही सुनता रहेगा, फोकस हो जाएगा ना उसका माइंड, और फिर उसके बाद सब लोग खड़े हो ऐसे खड़े हैं तो वो भी ऐसे खड़ा होगा, कुछ माइंड लगेगा उसका, ठीक है उसके लिए ठीक है, हमारे दोनों ना ठीक है। सो कभी भी कोई कुछ भी करो उसका पर्पस लूज मत करो। हमारे उसमें भी अगर मान लीजिए आप आज के दिन आप अपना एकादशी पे अपना सोना माला कर ली, जो भी है जितनी माला कर ली, और अपना थोड़ा प्रसाद ले लिया एकादशी जो भी है सुबह शाम, और अपना नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो इसलिए अब जो गृहस्थ हैं जनरली टाइम वेस्ट करने का शौक होता है, या शौक भी नहीं, अगर नहीं भी होगा तो वेस्ट हो जाता है, सोसाइटी में हज़ार चीज़ें चल रही हैं, या सपोज आज के दिन कोई रिलेटिव ही आ गया कि मामा जी आ गए तो क्या करोगे, आ गए कि धमक गए, टिंग टिंग कौन है, मामा जी आइए, तो अब ये अब आप मामा जी को बोल के रखोगे मामा जी एकादशी के दिन बताइए करिए हमारा प्रोग्राम होता है, कुछ बहाना तो होगा, अगर प्रोग्राम ही नहीं होगा तो कोई कभी मामा आ जाएगा, कभी चाचा आ जाएगा, कभी कोई पड़ोसी आ जाएगा, क्या करोगे आप? एंटरटेन तो करना ही पड़ेगा ना, मतलब हाउस होल्ड लाइफ में क्या करोगे? सो इसलिए हमने इसलिए ट्रेडिशनली क्या होता है हर एकादशी हम पहले व्यक्ति नहीं है जो गोलोक से उतर के आए कि एकादशी पर कीर्तन करना है, हमसे पहले गौड़िया मठ तो करता ही था राजपुरा में ही, और वल्लभ संप्रदाय में क्या होता है वहाँ पे भी करते हैं, यहाँ पे बैठे हैं वल्लभ कनेक्टेड तो क्या होता है? अरे मैं एकादशी का पूछ रहा हूँ, कुछ स्पेशल होता है एकादशी पे? तो बट डेली होता है उनका डेली, तो चलो यहाँ भी आरती होती है, बट आप चलो राजपुरा में नहीं हो रहा, मगर और हवेलियों में वल्लभ संप्रदाय के एकादशी पे स्पेशल प्रोग्राम्स करते हैं। उसके बाद आप यहाँ जाओ और संप्रदायों में जाओ प्रोग्राम्स होते हैं एकादशी पे, सब लोग कुछ ना कुछ स्पेशल, इनमें जाओ पंडरपुर, पंडरपुर में तो मतलब आप मतलब वहाँ तो पूरी रात कीर्तन होता है, आप जाओ अभी आज के दिन अगर वहाँ हो, पूरी रात स्टॉल्स लगे होते हैं कीर्तन करते हैं विठ्ठला 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 विठ्ठला, डांस भी करते हैं वहाँ सबकी, तो हर हर स्टॉल की बारी आती है पूरी रात, बच्चे बड़े सब डांस करेंगे, और फिर उसके बाद अगले दिन विठ्ठल जी का दर्शन करके फिर विठ्ठल विठ्ठल करके चले जाएंगे, ट्रेडिशन है बचपन से, लोग बचपन से ही करते हैं, फिर अगले दिन ऑफिस भी जाएंगे वो, उनका हैबिट पड़ जाती है ना, एक दिन पहले आते हैं चल के दूर से,
व्हीकल पे नहीं आएंगे, चल के आएंगे, ना करते गांव गांव से वहाँ पे रहेंगे, पूरी रात कीर्तन करेंगे, अगले दिन ऑफिस जाएंगे, फिर उसके बाद उसके अगले दिन फिर सोते होंगे दबा के सुबह से रात तक, कुछ तो होता होगा, सुपर ह्यूमन तो है नहीं। चौथे दिन भैया हो गया, भैया सुबह सोएंगे अगले दिन उठेंगे समथिंग, बट वहाँ पे प्रैक्टिस है, वहाँ पे मैंने देखा नहीं सोते हैं, कर जाते हैं, और प्रैक्टिस होती है तो हो ही जाता है। जैसे बिहार में छठ नहीं होता, छठ पता है ना सबको, तीन दिन पानी भी नहीं पीती औरतें वहाँ की, हो जाता है, प्रैक्टिस है, बचपन से ही कर रहे हैं तो चलता आता है। है करती हैं अब क्या काम करने वाली, वो पानी भी नहीं पी रही और काम भी कर रही है, काम भी कर रही है, ले ये कैसे है। हम तो एक निर्जल देकाची में बड़े बड़े मसल वाले ढाए हो जाते हैं तो जिम जा रहे हैं 80 किलो उठा रहे हैं, एक दिन पानी नहीं घटता है। हाँ दे डू, और बहुत मतलब उनके लिए छठ मतलब समझ लो कि एकादशी से भी इम्पोर्टेंट है, उनके लिए छठ मतलब बहुत बड़ी बात है। बिहार में कोई नहीं छोड़ता, सूर्यदेव की पूजा होती है ना छठ, मतलब कोई भी नहीं छोड़ेगा। कर रही, मैं गया था, मैंने कहा अभी कैसे कर रही है, कर रही है। सो प्रैक्टिस। सो एनीवे हमें क्या प्रैक्टिस करनी है, भोगे रहने की प्रैक्टिस करनी है, नहीं प्रभुपाद ने कहा नहीं, हमें क्या करना है, हमें क्या पूरे दिन जागने की प्रैक्टिस करनी है, नॉट नेसेसरली पूरी रात जागना ज़रूरी नहीं है, कर सकते तो कर लो, बहुत अच्छा है। हमें प्रैक्टिस करनी है आज के दिन कि मैक्सिमम टाइम हम भगवान का भजन करें, जितना हो सके उतना कर लें, और आज के दिन थोड़ा कम पाप करें, ये प्रैक्टिस कर लें। एक क्रिश्चियन सेंट थे, तो क्रिश्चियन सेंट के पास ना बहुत लोग आते थे आशीर्वाद लेने, तो उनके वो जहाँ पे रहते थे तो उनके सामने चर्च था, तो चर्च में भी बड़े सारे पादरी रहते थे, तो वो पादरी आके मिलते थे इससे सेंट से, तो कहते थे हाँ आप क्या पढ़ रहे हैं, बात बात करते थे, तो वो सेंट तो कहते थे यार आप चर्च क्यों नहीं आ जाते हमारे, आप अलग क्यों रह रहे हो, सामने ही चर्च है आप अलग से रह रहे हो। तो वो कहाँ रहते थे, वो एक उन्होंने एक झोपड़ी थी उसके अंदर, तो उसके अंदर लोग अपनी लकड़ियाँ नहीं होती, तो वो सेंट रशिया में थे स्नो में, तो लकड़ियाँ स्टोर करते थे वहाँ लोग, तो वहीं अंदर ही रह जाते थे, तो वो कहते थे यार आप आ जाओ हमारे साथ रह लो, क्या यहाँ पे पढ़ सड़ रहे हो। तो आंसर नहीं दिया उन्होंने, तो उन्होंने आप आंसर क्यों नहीं देते, तो उन्होंने कहा हाँ। तो जब आए तो उसके आने से पहले ना जो डोर है उसके डोर के हैंडल पे उन्होंने ब्लैक पेंट कर दिया, काला पेंट नहीं होता जो चारकोल, वो पूरा कर दिया, अंदर बैठ गए। तो वो आया पादरी, उसने कहा रबाए सेंट को रबाए, ए भाई आप यू आर देयर, आप हो, उसने कहा अंदर आ जाओ। तो उसने हैंडल पकड़ा तो हाथ चिपक गया उसका, और फिर निकल ही नहीं रहा, कहता ये क्या है नॉनसेंस, फिर उसने खींच के निकाला है, काला हो गया सारा, काला आ गया, तो वो बाहर आया, उन्होंने कहा ये क्या कर रखा तुमने, तो उन्होंने कहा मैंने थोड़े ना किया है, ये तो तुम ही कर रहे हो अपने जीवन के साथ, मैं थोड़े ना कर रहा हूँ, तुम ही पाप काला पाप बार बार लेते रहते हो और अपने जीवन में चिपकाते रहते हो अपनी आत्मा से, और इसीलिए मैं तुम्हारे चर्च नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग यहाँ थोड़े ना रहूँगा मैं। तो फिर उसने कहा, तो उसने कहा ये क्या नॉनसेंस है, क्या बकवास, में मजाक कर रहे हो मेरे साथ, कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं मजाक, उन्होंने कहा मैं मजाक करने की आदत नहीं है, मगर तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ कि थोड़ा कम पाप कर लिया करो तो भगवान तक पहुँच जाओगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि भक्ति करो, उन्होंने कहा कम पाप कर लो। तो आज का दिन डिज़ाइन ही इसलिए कि कम पाप हो, इसलिए आज के दिन कपड़े धोना नहीं होता, ये कपड़े धोने में पाप होता है ना, कीड़े वीड़े मरते हैं ना, कुछ नहीं करते आज के दिन लोग। आज के दिन ट्रेडिशनली ना झाड़ू लगाएंगे, ना पोछा लगाएंगे, ना कपड़े धोएंगे, ना क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, बाल नहीं काटते,
बाल काटने के बाद नहाना पड़ेगा ही आपको अननेसेसरली। सो ये सब चीज़ें नहीं करते हम, थोड़ा कम पाप होता है और अन्न नहीं खाते, क्योंकि अन्न जो है उसमें पाप आ जाता है। एक अच्छे के दिन भगवान ने बोला, एक अच्छे के दिन अन्न में सारा पाप चला जाएगा, तो अन्न नहीं खाते। सो अन्न खाना ये प्रूफ है कि हम एक अच्छे पे पाप कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें स्पेशली पाप घुस जाता है एक अच्छे के दिन, तो खाओगे तो पाप चला जाएगा। सो ये नहीं करते, दैट्स ऑल, खत्म हो गया। सो ये पर्पस ही है एकादशी का, भक्ति बढ़ाना और पाप कम करना, पर्पस ही है, थोड़ा टाइम बचा के बस, और कुछ नहीं। श्री प्रभुपाद ने अपने कई डिसाइपल्स को बोला था कि आज के दिन 25 राउंड्स करो, ये भी बोला है, बोला ठीक है टुडे से एकादशी 25 राउंड्स करो। श्री प्रभुपाद फिर एक बार एकादशी थी, तो एक जब जन्माष्टमी थी, एकादशी प्रभुपाद ऐसा करते थे, तो जन्माष्टमी थी अभी आ रही है, तो शीला प्रभु जन्माष्टमी के दिन भी फास्टिंग करते हैं, जैसे आज के दिन एकादशी के दिन, तो शीला प्रभुपाद कथा कर रहे थे, मतलब 10 बज गए तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है कृष्णा बुक पढ़ते हैं, कृष्ण का जन्म होने वाला है, सब कृष्णा बुक पढ़ रहे थे। तो पढ़ते पढ़ते एक चैप्टर तो 11 बज गए, तो फिर 11 फिर पढ़ रहे थे, 12 बज गए, तो उन्होंने कहा यार चलो अब तो ख़त्म होगा, प्रसाद लेंगे जन्माष्टमी, तो फिर प्रभुपाद जी तो सबने तो सब बैठे हुए थे, सबको नींद भी आ रही थी, सब सन्यासी थे, सब डिवोटी थे, ऐसे 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 होते जा रहे, थक रहे हैं, कोई सेवा भी है जो भी है। तो प्रभुपाद ने तो जब 12 बज गए तो चैप्टर ख़त्म हुआ, 10 एंड्स चैप्टर 10 ऑफ कृष्णा बुक, कमेंट्री बाय इसी भक्तिवंत स्वामी प्रभुपाद। सबने कहा जय शिला प्रभुपाद, 12 बज गए, सब लोग जय शिला प्रभुपाद इसलिए नहीं कह रहे हैं कि कृष्णा कह रहे हैं खत्म हो गया चलो प्रसाद देंगे, प्रभुपाद ने कहा नेक्स्ट चैप्टर वो कह रहे हैं भैया वो पढ़ते जा रहे हैं, फिर नेक्स्ट 11 चैप्टर पढ़ रहे हैं पढ़ रहे पढ़ रहे। तो फिर सारे लोग अपना नींद रोकने की कोशिश कर रहे हैं, प्रभुपाद देख रहे थे सब, आधे सोए पड़े थे, आधे ऐसे ऐसे देख रहे हैं, कुछ गिर रहे हैं सन्यासी, डंडे डंडे गिर रहे हैं उनके। तो फिर 15 मिनट और लगे फिर चैप्टर खत्म हो गया, 10 एंड 12 चैप्टर कमेंट्री पर ऐसी भक्ता स्वामी प्रभुपाद। तो उन्होंने कहा जय श्री प्रभुपाद, प्रभुपाद ने कहा नेक्स्ट चैप्टर बस फिर तो हालत ख़राब, फिर तो कुछ सन्यासी तो गिर ही गए, मतलब समझ रहे हो ऐसे ऐसे आगे गिर गए, कुछ वहाँ गिर गए, कुछ इधर गिर गए, सो रहे हैं सब, प्रभुपाद ही जाग के सुन रहे थे, प्रभुपाद ने कहा सभी सो रहे हैं। तो फिर उसका ख़त्म होता है 13 चैप्टर पर पढ़ पाए कमेंट्री पैसे सबने बोला। तो जैसे नींद के बाद जब उठो तो इरिटेशन होती है ना, फिर बैठे 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 बैठे, तो सबने कहा फिर सबने तो बहुत तेज चिल्लाया कि प्रभुपाद समझ जाए जय शिला प्रभुपाद, सबने प्रभुपाद ने कहा नेक्स्ट चैप्टर, सबके हालत ख़राब, सबने डंडे रखे वहीं लेट गए, लेट गए सभी लेट गए, वो वहाँ लेट गया, उसने कहा तू साइड हट, सब लेट गया, प्रभुपाद ने कहा तो बस हो गया। तो ये चैप्टर ख़त्म हुआ 14 चैप्टर, माने का ओके सो यू आर वेरी टायर्ड प्रसाद, जय शिला प्रभुपाद, बस उठ के अपना जाके जो भी करना था करना। सो लाइक दैट, सो फास्टिंग का पर्पस है कृष्ण कथा सुनना, मतलब हम अननेसेसरली टाइम भी नहीं बचा रहे, एवरी टाइम बचाना है, पॉइंट है टाइम बचा के करना क्या है, करना ये है जो हम कर रहे हैं, भगवान के बारे में डिस्कस करना, और क्या करना है, भगवान के बारे में डिस्कस करो, कृष्ण के बारे में, उनके रूप उन लीलाओं के बारे में, तो ये भी हैप्पी, और क्या होगा। तो इस तरह से हम लोग इस तरह से एकादशी फॉलो करते हैं। सो एकादशी के दिन हम लोग ज़्यादा कीर्तन ज़्यादा कथा कर सकते हैं, एकादशी के दिन हम स्पेशल प्रे कर सकते हैं भगवान से कि भगवान हमें भक्ति दीजिए, एकादशी के दिन हम देख सकते हैं पिछले 15 डेज में हमने क्या किया, आगे कैसे इम्प्रूव करें, इंट्रोस्पेक्शन कैसे कहेंगे, आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं, एग्जैक्टली कैसे करना, क्या करना है बस, और क्या। इट्स कोई प्रभुपाद ने भी बोला था एक आज की फेस्टिवल, प्रभुपाद ने भी बोला
सो जन्माष्टमी इज़ अ फेस्टिवल, एक अच्छी फेस्टिवल। तभी अभी प्रसाद भी बना है यहाँ पर, नहीं क्या बना है प्रसाद में है? अच्छा ये तो है, इतना सॉलिड नहीं है। सामा की खिचड़ी और आलू की सब्जी, ठीक है, फीस्टिंग नहीं है बंदर नॉर्मल। तो ब्रह्मांड का एकादशी मतलब फेस्टिवल, तो कई लोग एकादशी के दिन फीस्टिंग भी करते हैं, बट ऑफ कोर्स हम लोग नहीं करते ज़्यादा, क्योंकि प्रिंसिपल ब्रेक, टाइम वेस्ट, जो कुकिंग करने वाला है उसको तो पूरी एकादशी ख़त्म हो गई, वो तो पूरे दिन बनाता ही रह जाएगा अगर डिशेज बनाने बैठ जाओ। सो कहीं कहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा फीस्टिंग करते हैं एकादशी के दिन कई टेम्पल्स में, मोस्टली नहीं, मतलब वहाँ पे बनेंगे बॉन्डे बनेंगे कूटू के, फिर केक बनेगा कूटू का, केक से बनाते हैं इसे बेसिकली। इसके बाद कुछ कुछ पूरियाँ होंगी, आलू होंगे, खिचड़ी होगी, कस्टर्ड होगा, सॉरी फ्रूट क्रीम, कस्टर्ड तो बना है, फ्रूट क्रीम होगी। अगर आप साउथ में जाओ, साउथ में तो फिर वो लोग जो जो सामक है, मिलेट, बानेट मिलेट है ना सामक, सामक की वो हलवा भी बनाते हैं, जलेबी भी बनाते हैं, मिठाई भी बनाएंगे, पूरी फीस्टिंग होती है। तभी तो साउथ में जितने ब्राह्मण होते हैं तोंदू होते हैं सब, देखा है, बड़ी बड़ी तोंदू होती है। और अपना वो होगा ब्राह्मण बोलने का जनेयू, जितनी बड़ा चाबी लटकी होगी, अपना लगाते हैं, खाते पीते रहते हैं। सो अब उसका पॉइंट ख़त्म हो गया ना, फिर तो पॉइंट ही ख़त्म हो गया। क्या पॉइंट है उस चीज़ का? हमारे, मैं बताता तो था, हमारे एक डिवोटी थे, उन्होंने गौर पूर्णिमा सेलिब्रेट की, तो शाम को लेते हैं ना प्रसाद फिर हम लोग गौर पूर्णिमा के बाद, फास्टिंग के बाद, तो उन्होंने दबा के खाया, दबाया, खाते रहे, पूरी खा ली, दबा के 50 पूरी खा गए, फिर रसगुल्ले खा लिए, गुलाब जामुन खा लिए, उसका पेट फट गया अंदर, सीरियसली उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, उसका पेट ही फट गया, टाइम हॉस्पिटल ले गए, मर गया, इतना खा लिया उसने, इतना ज़्यादा पेट ही अंदर फट गया, रोक ही नहीं पाया अपने आप को। सो क्या फास्टिंग करने का फ़ायदा है? अब आप बताओ, प्रसाद खा के कोई मरता है? प्रसाद खा के रोड़ना बनना चाहिए, प्रसाद खा के तो आपको और अच्छा बनना चाहिए। प्रसाद खा के मर गया तो वो प्रसाद नहीं खा रहा था, वो अपनी भड़ास खा रहा था, प्रसाद नहीं खा रहा था वो। सो इसलिए ऑफकोर्स हम फीस्टिंग कर सकते हैं, बट कॉमन सेंस होनी चाहिए। फीस्टिंग हम इसलिए नहीं करते क्योंकि जो कुकिंग कर रहे हैं उनका टाइम वेस्ट, पूरे दिन लगे ही पड़े रहेंगे, फिर आप लोग भी दबा के खाओगे, फिर क्या है, फिर तो, फिर क्या, फिर तो दैट्स नो पॉइंट। तो ठीक है सामर का चावल, मगर आलू कम्बिनेशन अजीब सा है, खिचड़ी आलू का कम्बिनेशन नहीं है बाहर वाले, होता है ऐसे खिचड़ी आलू की सब्जी? अच्छा टमाटर ही भी बना देते हो, समझ गया। वैसे तो सामा की खिचड़ी और चटनी होनी चाहिए, नहीं टमाटर की चटनी वही है ना, टमाटर की चटनी, पुदीने की चटनी, कोकोनट की चटनी, पीनट की चटनी, और वो बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सीरियसली यूँ बनती है। तो इतनी सारी चटनी हो गई, सामा खिचड़ी हो गई, तो लोगों को लेगा, हाँ हाँ चलो यार, एक जिसको जो चटनी लेती है ले ले, दही ले आओ, दही का रायता बना दो, मतलब ये चीज़ें जल्दी बन जाती हैं। सो फीस्टिंग की फीस्टिंग, और आपका काम भी हो गया, लोग ये भी नहीं कहेंगे बेकार है यार खिचड़ी खिला के भेज देते, ये थोड़ा दिमाग होता है। वैसे शिला प्रभुपाद ने बोला था कि कुकिंग चाहे 50 की करो चाहे 500 की, एक घंटे में हो जाना चाहिए, प्रभुपाद ने बोला है, और प्रभुपाद ने किया भी, क्योंकि भक्ति संत सरस्वती ठाकुर का डिसअपीयरेंस डे था, तो शिला प्रभुपाद ने कहा, शिला प्रभुपाद ने बोला कि चलो हम दोपहर को बनाएंगे फास्टिंग करके, दोपहर को फीस्टिंग होगी, तो डिवोटी सोच रहे थे नहीं नहीं हम शाम को करेंगे, तो एक डिवोटी आया 11 बजे, तो मैंने क्या बन रहा है, तो उस डिवोटी ने कहा प्रभुपाद कुछ नहीं हम शाम को तो कर रहे हैं, मतलब नॉनसेंस दोपहर को करना है,
शाम को नहीं करते आचार्य का डिसअपीयरेंस? दोनों का प्रोपा, वो तो आज संडे है तो ज़्यादा लोग आएंगे, सब मिलके कर लेंगे, इतने सारे लोग प्रमाण का नॉन सेंस हम तो कैर को करेंगे। तो उन्होंने कहा फिर तो कुछ बना ही नहीं, 11 बजे का फीसटिंग कैसे होगी? मैंने कहा नॉन सेंस, मैं चल रहा हूँ। प्रोपा खुद किचन में गए, मैंने कहा लाओ सामान, सामान लगा, एक घंटे में काम पूरा बना बनो के और पूरा क्लीन करके बाहर आ गए। तो कम से कम वहाँ पे कुछ 100 लोग थे, उनके लिए बना दिया प्रोपा ने, पूरी बनाई एक घंटे में 100 लोगों के लिए, पूरी सब्जी स्वीट सब बना दिया। तो फिर प्रोपा ने कहा सी, चाहे 50 हो चाहे 500, एक घंटे से ज़्यादा जिसको लगता है कुकिंग में उसको कुकिंग नहीं आती। मैंने आपको कितना टाइम लगा? एक मगर वेसल्स तो क्लीन नहीं हुए आपके, देख लो प्रोपा तो वेसल भी क्लीन करते रहते। प्रोपा एक्सपर्ट थे काफ़ी चीज़ों में। सो एक्सपर्टनेस से क्या होता है, टाइम बचता है। आप एक्सपर्ट नहीं हो तो टाइम लूज करोगे। तो प्रभुपाद एक्सपर्ट थे हर चीज़ में। अब प्रभु को पता था टाइम की वैल्यू क्या है। प्रभुपाद बना बनो के आ गए, सबकी फीसटिंग हो गई, सब हो गए, फिनिश खत्म। सो इस तरह से हम लोग एकादशी का प्रिंसिपल समझें, डिटेल्स में ना जाएं। किसी चीज़ की डिटेल में जाने में कोई फ़ायदा होता नहीं। डिटेल में जाके आदमी ज़्यादा कन्फ्यूज ही हो जाता है, है नहीं? जैसे मान लीजिए एक लड़का था, वो लड़की को प्रेम करता था, तो काफ़ी फिलोसफर नहीं होते, फिलोसफर तो पता है सबको, दार्शनिक नहीं पता होगा किसी को। फिलोसफर स्कॉलर टाइप का, ज़्यादा सोचने वाला नहीं, सबकी सर्जरी करने वाला सारे पॉइंट्स की। तो उसकी गर्लफ्रेंड बन गई, ठीक है। तो उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा ठीक है, साइंटिस्ट था वो, फिजिसिस्ट। उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा ठीक है चलो हम घूमने चलेंगे, घूमने गए। फिर ठीक है हो गया, चलो अच्छा है। तो फिर उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा ठीक है तो अब वो मुझे किस करो यहाँ पर। तो उसने कहा कि मतलब एक तो तूने मेकअप लगाया है, मेकअप में कौन सी कंपनी का तूने यूज़ किया पाउडर पहले बता, ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक, उसमें केमिकल्स क्या हैं, मुझे ज़रा बॉटल दिखाइयो। तुझे किस करूँगा तो मेरे अंदर केमिकल जाएंगे, मुझे कैंसर होगा। वो कहती है क्या है? ऐसा भी होता है दुनिया में? तो वे कहती है क्या तुम क्या चाहते हो, मैं मुँह धो क्या हूँ क्या? तो कहता है हाँ वैसे तो देखो एक तो केमिकल है, दूसरी बात यह है कि मुझे केमिकल का टेस्ट नहीं चाहिए, मुझे तेरी स्किन का टेस्ट चाहिए। उसका भी टेस्ट होता है, स्किन का अपना टेस्ट होता है। फिर उसने थ्योरी कुछ बताई, वो साइक आउट हो गई। उसने कहा यार एक किसी तो करने का बोला था, पूरी थ्योरी क्या आ गई, तुझे शादी करूँगी मैं, पागल हो जाऊँगी मैं तो। ये मैं कहानी नहीं बोल रहा, ये रियल सिचुएशन है, रियलिटी में हो रहा है। सो क्यों हुआ? क्योंकि वो डिटेल्स में आ रहा था। डिटेल्स अंडरस्टैंड, एक जो डिटेल में जो कौन जाता है इन चीज़ों में, नहीं, नोबडी गोस। सो ज़्यादा डिटेल में जाने इसलिए कहते हैं एनालिसिस ब्रिंग पैरालिसिस। सुना है? ये भी होता है, एनालाइज करना डिटेल में आना गलत नहीं है, मगर उससे पैरालिसिस हो जाती है। जैसे ये था एक कीड़ा था, कीड़े नहीं होते छोटे वाले, कीड़े नहीं होते बड़ी सारी टांगे होती हैं, मिलीपीट सुना है ना, मिलीपीट सेंटीपीट सुन देखा है ना, अर्थवॉर्म टाइप का होता है, ब्लैक नहीं वो अलग है, उसकी टांगे नहीं होती, कीड़े होते हैं चलते हैं, बहुत सारी टांगे होती हैं, जैसे जैसे कान खजूरा, इतनी सारी टांगे होती हैं उसकी। तो किसी ने बोला कान खजूर से इधर आइए, तो आया वो, मतलब वो बोलता था वो तो वहाँ आ गया। तो उस कान खजूर से बोला ऐसा है कि तेरे इतने सारे टांगे हैं तो तू पहली टांग कौन सी उठाता है? इसलिए मैंने कभी सोचा नहीं, चल लेता हूँ मैं तो, पास इतनी सारी टांगे, पहली टांग कौन सी उठाऊँ मुझे नहीं पता। कहते हैं मोस्ट प्रॉब्ली पहली टांग, फर्स्ट वाली पहले उठाता हूँ, फिर दूसरी वाली दूसरी उठाता हूँ, ऐसे ही करता हूँ। तू बताइयो मुझे क्या करता है।
तो अगली बार वो चल ही नहीं पाया इतनी सारी टांगे, वो कह रहे मैं उठाता कौन सा हूँ, ये उठाता हूँ, पीछे वाला उठाता हूँ, पीछे वाला उठाता हूँ, जब ये रखूँगा तो कौन सा ऊपर लेता हूँ, इतनी सारी टांगे, वो कैसे सोचेगा, उसको समझ ही नहीं आया, तो वो चल ही नहीं पाया वो। तो ये बात है, कभी कभी ज़्यादा सोचना भी खतरनाक होता है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा ज़्यादा मत सोचो एकादशी के दिन, ये खाना है वो नहीं खाना, ये खाना है वो, हज़ार हज़ार टंटे हैं। आप राजू राजू ना जो एकादशी करते हैं, पुराने लोग यही कहते रहते हैं ना, पूरी लिस्ट होती है उसकी, आई थिंक कई लोग फॉलो भी करते होंगे। ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, ज़्यादा सोच सकते हो बट ज़रूरत नहीं है। प्रबंधन का सिंपल बनाओ, सिंपल है, टाइम बचाओ, श्रवण कीर्तन करो, काम खत्म, अपना जो करना है करते रहो, बस ये बात सॉल्व, खत्म हो गया। ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं कर, ज़्यादा सोचना भी ज़रूरी होता है कुछ कुछ चीज़ों में। अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हो, बहुत लोगों को गाइड कर रहे हो, तो सोचना पड़ता है, क्योंकि लाइफ बर्बाद होगी ना। बट अदरवाइज लाइफ को एक सिंपल बनाना चाहिए, वो भी एक कला है, वो भी एक कला है। सब कुछ जान के आप सिंपल बना दो, इसलिए जो जो दुनिया के एक्सपर्ट कुक्स होते हैं ना, सबसे एक्सपर्ट कुक, जैसे मान लीजिए आप लोग भी कुकिंग करते हो सब, है ना, करते ही हो, आपने भी की, मेरे हिसाब से आप बिल्कुल घटिया कुक हो सब, सॉरी मगर ऐसे ही है, क्या करूँ मैं। वो इसलिए है, मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने कुकिंग की ट्रेनिंग ली हुई है, आप लोगों ने नहीं ली। ये तो यहाँ पे कोई होटल मैनेजमेंट वाला है, कोई है MBA वाला? तो है MBA, किसने किया यू, और किसने किया उसने, क्या माधुरी ने कहा कि MBA? सो MBA वाले चलो ठीक है, थोड़े बहुत कभी होते हैं, बट होटल, आपने होटल मैनेजमेंट वालों को देखा होगा, MBA तो पैरेलल चलता है, उनकी ट्रेनिंग होती है कुकिंग की। अब आप कोई क्या ट्रेनिंग ले रहे हैं यार, कुकिंग तो बड़ी सिंपल है, हम तो बचपन से ही कर रहे हैं, माता जी कहेंगी क्या, झक मार रहे हैं, झक नहीं मार रहे हो, उनकी 5 साल की ट्रेनिंग होती है, बच्चों वाली नहीं होती। सो मैंने ट्रेनिंग ली हुई है होटल मैनेजमेंट वालों से, जो वर्ल्ड के एक्सपर्ट होटल मैनेजमेंट वाले, हमारे डिवोटी थे नारायण प्रभु, तो इंडियन एयरलाइंस के वो हेड थे, कुक, हेड कुक, अशोका होटल के हेड कुक थे, उनसे हमने सीखा है। उडुपी में आत्मज प्रभु थे, उनका बेटा था वो भी होटल मैनेजमेंट में, उनका एक और थे वहाँ पे आए थे, वो ये जो नहीं है आपका ये मौर्या शेरेटन, नहीं है मौर्या शेरेटन पता है ना, ग्रुप ऑफ चेन्स, और पेरिस में हिल्टन होटल्स हैं यूरोप में, उसके हेड कुक थे, उनसे मैंने ट्रेनिंग ली हुई है। सो वो मेरे को अलग अलग हो जाता है वो, तो वो मोहम से कहते थे यार इंडिया की जो कुकिंग है वो है सब आप अच्छा बनाओगे, बहुत सुंदर सुंदर ये भी अच्छा बनाएंगे, मगर चक्कर ये है कि आपको बनाना नहीं आता, क्योंकि चक्कर ये है आपका टेस्ट क्या आ रहा है। वो कहते थे भाई मिर्च मसाले का काम बड़ी बहू का नाम, बस ये लोग क्या कहते हैं टमाटर करी डाली होगी, है ना, बस यही किया होगा ना आपने, नॉनसेंस, हर चीज़ में टमाटर को पीस के डाल दो जैसे टेस्ट आ जाएगा, यही करते हैं आश्रम में भी, यही करते हैं टमाटर टमाटर, मेरा दिमाग ख़राब हो गया, ये मुझसे कहते हैं बनाएंगे प्रभु जी हर चीज़ में टमाटर, टमाटर थोड़े ना डाला जाता है हर चीज़ में, उसका टेस्ट ही ख़त्म हो गया, आपने टमाटर का टेस्ट आ गया, हर चीज़ में गर्म मसाला डाल दो, जो भी किचन में आइटम्स हैं ये डाल दो वो डाल दो, तो क्या बनेगा, टेस्ट तो आएगा ही आएगा, कुछ तो आएगा ही आएगा, बट वो कुकिंग नहीं है, वो कुकिंग नहीं है वो, आपने कुकिंग बर्बाद कर दी, क्योंकि कुकिंग में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, किसमें क्या डालना है क्या नहीं डालना, क्लीनिंग भी होती है कुकिंग में, प्रभुपाद क्लीनिंग में, प्रभुपाद क्लीनिंग में बहुत फोकस करते थे, क्लीन रहे सारी चीज़ें, एब्सोल्युटली कुकिंग आप बिल्कुल क्लीन हो। उसके बाद गैस को भी सेव करना होता है, ऐसे नहीं आपने 2 घंटे जला दिए, उबलता जा रहा है उबलता जा रहा है उबलता जा रहा है, लोग खाएंगे वाह क्या बना है, गैस ख़त्म हो गई, बनेगा ही बनेगा, 24 घंटे गैस पे रख दोगे तो नहीं बनेगा वो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कुकिंग में कि आप हेल्थ देख कर बनाते, ऐसे कुछ भी नहीं बना देते, हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट जाएगा फूड का। तो होटल मैनेजमेंट में ये सब सीखते हैं,
मजाक नहीं कर रहा, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं वो होटल मैनेजमेंट का, तभी तो उनको 5 साल लगते हैं। अब पॉइंट ये है कि आपको हम क्यों सीखें यार, ये सब इतना एक्सपर्ट क्यों बनना है? चल रही है लाइफ, चल रही है यार, किचन में हम बना रहे हैं, खिला पिला रहे हैं, तो अगर आप एक्सपर्ट नहीं बनोगे, एक तो टाइम वेस्ट होगा आपका, गैस वेस्ट होगी, पैसे वेस्ट होंगे, लोगों की हेल्थ ख़राब होगी, कुछ भी खिलाते रहोगे। प्रभुपाद एक्सपर्ट थे कृष्णा कॉन्शियस में, जैसे होटल मैनेजमेंट वाला एक्सपर्ट है कुकिंग में, समझे? कुकिंग सबको आती है, मगर होटल मैनेजमेंट वाला कुकिंग में एक्सपर्ट है। ऐसे ही कीर्तन और कथा सब करते हैं, मगर प्रभुपाद उसमें एक्सपर्ट हैं, श्रवण कीर्तन में। श्रवण कीर्तन में एक्सपर्ट होने से आपका टाइम बचेगा, आप क्वालिटी अच्छी होगी श्रवण कीर्तन की, आपका मन खुश होगा, जैसे हेल्थ उससे अच्छी होती है। आप ऐसे श्रवण कीर्तन करोगे, ऐसी कुकिंग करोगे, तो बस कबाड़ा ही है, बस हाँ, बस टेस्ट आएगा बस। जैसे रेडी वाले नहीं होते लोग, ये क्या करते हैं, इनको इनको तो टेस्ट लाना किसी तरह नहीं, चाहे उसमें केमिकल डाल दें, चाहे हरा कलर डाल दें, कुछ भी भैया किसी तरह टेस्ट लाना है, बस कुछ भी कर लो। सो दैट्स नॉट फूड, दैट इज पॉइजन। और एक्सपर्ट होने से फ़ायदा ये है, कृष्णा खुश होते हैं, कृष्ण की एक्सपर्ट सर्विस होती है, होती नहीं होती है, तभी तभी तो मेरे हिसाब से किसी को कुकिंग आती नहीं है, मगर मैं बोलता नहीं क्योंकि उसको कोई फ़ायदा ही नहीं है, अगली बार मुझे प्रसाद नहीं मिलेगा, बनाएगा नहीं, खुद बना लो भाई, जाओ फिर बनाओ, फिर खुद बैठ के जा भी बोल रहे हो तो इसलिए ठीक है बना के दे दो, मगर एक मज़ा नहीं आता, ना हमें ना भगवान को, इट्स नॉट इंटरेस्टिंग। इसलिए हाँ, प्रभुपाद ने कहा एक्सपर्ट बनो, एक्सपर्ट डिवोटी, एक्सपर्ट तरीके से एकादशी करो, तो होगा क्यों नहीं होगा, क्लियर? आज का मैसेज है एकादशी पे कि सार ग्राही, एक्सपर्ट को बोलते हैं सार ग्राही, सार लो और चीज़ें अच्छी तरह करो, सार निकाल के उसको अच्छी तरह फॉलो करो, बस काम खत्म हो गया। कृष्णा कॉन्शियस है, ज़्यादा इधर उधर की सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मत सोचा करो, ज़्यादा सोचने से सर खराब होता है और गर्म भी होता है। प्रभुपाद ने कहा था कीप इट सिंपल स्टूपिड, प्रभुपाद ने बोला है, कोई पूछ रहा था प्रभुपाद से, प्रभुपाद ये ऐसे है, ऐसे है फिलॉसफी, ये वो ये वो, मैंने कहा कीप इट सिंपल स्टूपिड, दैट्स ऑल, समझे? यस, क्योंकि क्यों स्टूपिड क्यों बोला, क्योंकि स्टूपिड आदमी सिंपल को भी कॉम्प्लेक्स बना देता है, वो स्टूपिड आदमी मूर्ख होता है, वो जीनियस होता है, वो कॉम्प्लेक्स को सिंपल बना देगा। जैसे प्रभुपाद, प्रभुपाद के जितने गुरु भाई थे, उन्होंने कॉम्प्लेक्स को, सिंपल को इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया, बाहर प्रीचिंग ही नहीं कर पाए, प्रभुपाद ने कॉम्प्लेक्स को इतना सिंपल बनाया, पूरे वर्ल्ड में प्रीचिंग कर दी, वो आर्ट है वो। हम एक अच्छी फॉलो करें सिंपल तरीके से, और दैट से दूसरे को इंस्पायर करें तो ठीक है बस। हरे कृष्ण। कुछ पूछना, कुछ कहना? शीला प्रभुपाद की एकादशी व्रत की जय।